और देखिए पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। टीएमसी और कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं दिख रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता बनर्जी से बात की है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पाई है। आपको बताएं कि कांग्रेस कम से कम 8 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन 2 सीटों की पेशकश की गई है, जिसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात भी की है और उन्होंने कहा कि 2 सीटों पर तो बात नहीं बन पाएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारियों के साथ आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आशीष, ये सीट शेयरिंग पर बात बनेगी कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अब 8 सीटों की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है, टीएमसी कह रही है कि 2 सीटों पर चुनाव लड़िए। अब इसी को लेकर पेच फंसता हुआ और फिलहाल तो ये पेच सुलझता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा। आशीष, क्या डिटेल्स है? देखिए, जब तक एक्सट्रीम कॉम्प्रोमाइजेज नहीं होते तब तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई गुंजाइश बनती है किसी तरह का सीट शेयरिंग को लेकर के तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में समझौता हो सके, क्योंकि अगर दोनों ही पक्षों ने ऐसा पोजीशन ले लिया, जो हमें टॉप सोर्सेज बता रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से खुद ममता बनर्जी ने ये कहा कांग्रेस अध्यक्ष को कि सिर्फ 2 सीटें वो देने के लिए तैयार हैं कांग्रेस को, और कांग्रेस कम से कम 6 से 8 सीटें बंगाल में लड़ना चाहती है, ऐसे में लगता नहीं कि कोई मीटिंग पॉइंट हो पाएगा। अनलेस, जैसा मैंने आपसे कहा, कि बड़े सेक्रीफाइसेस करने के लिए, इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए दोनों ही पक्ष राजी हों। और जो फीडबैक मुझे अभी तक सोर्सेज से मिला उसके मुताबिक ना तो तृणमूल कांग्रेस इससे अपने कदम बढ़ाने को राजी है और ना ही कांग्रेस 6 से 8 सीटों से पीछे हटने को राजी है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऐसे में वो अपने कार्यकर्ताओं और पार्टी काडर को क्या मुंह दिखाएंगे कि इतनी सीटें क्यों तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस को सैक्रिफाइस कर दी, या कांग्रेस ने क्यों इतना कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि वो सिर्फ 2 सीटों पर सिमटने के लिए राजी होगी। ऐसी सूरत में लगता नहीं कि ये बहुत आसान होने वाला है पश्चिम बंगाल में कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के बीच में अलायंस हो सके, सीट शेयरिंग हो सके। और इसका एक बाहरी आप कॉनोटेशन भी देखिए कि कम से कम इसमें लेफ्ट फ्रंट की तो कोई और जगह बनती नहीं दिख रही है, तो बहुत टेढ़ी खीर है और मुझे लगता नहीं कि आसानी से मटेरियलाइज हो पाएगा। बिल्कुल, और आशीष, ये भी देखना होगा कि आखिर ये कुर्बानी देता कौन है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।